अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी तो खुशी का आज ठिकाना ही कोई नहीं है। मेरे को कोई ना पूछे कि तुसी कितना खुश है, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए अपनी फीलिंग को। क्योंकि मेरे घर में आज वो चीज़ आ गई है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। हमें कोई शायद 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 कोई दो महीने तो हो चुके होंगे हमने इसको ऑर्डर किया हुआ था, और ये हमारे घर में आज तशरीफ लाए हैं इसको ले के। और ऊपर मैंने इसलिए नहीं रखवाया क्योंकि अभी ऊपर हमने इसको रख के क्या करना था क्योंकि अभी इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये है जी मेरा डिश वॉशर, और ये जब लेके आए थे तो इन्होंने फिर मेरे से पूछा कि बाजी जी इन्हें खोल दिए कि इन्हें इतना ही रखना। मैंने कहा अब अगर खोलने की सूरत मौजूद है तो फिर भाई जी इन्हें खोल ही दो। तो बड़ी सफाई से इन्होंने इसको खोल दिया, और मैं सोच रही थी कि अच्छा किया कि इन्हीं से खुलवा लिया। बेशक मेरे पास ये कटर मौजूद है, लेकिन मुझे हमें बल्कि दोनों को इतनी सफाई से इसकी कटिंग करने का कोई पता नहीं चलना था। इन्होंने बड़ी सफाई से इसको इधर से काट उधर से काट, नीचे कोई डॉटेड वाली लाइन लगी हुई थी, मैं भी हर बॉक्स के ऊपर लगी हुई होती हूँ। हमने कभी नोट नहीं किया, तो जिसने नोट नहीं किया ना वो भी कर लें कि पैकिंग ऐसे भी खुल जाती होती है। इसकी टेपे शेपे उतार के हम डब्बे को फाड़ चीड़ करके नहीं खोलते, हम ऐसे भी खोल सकते हैं। और ये इन्होंने बड़े प्यार से इसको ऐसे किया, और ये लो जी 1 2 3 मेरा डिश वॉशर आप लोगों के भी सामने है और मेरे भी सामने है। सच्ची भी मेरी खुशी का तो वाकई कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो इंतहाई 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 किस्म की मैं आज खुश हूँ कि चलो जी मेरी बाजी जी बर्तन धोने वाली आ गई हैं और ये मेरे साथ अब मेरी फुल हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं भांडे धो धो के वाकई सच्ची भी मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि सारी इतनी थक जाती हैं बर्तन धो धो के कि मेरे ही कोलियाँ ग्लास प्यालियाँ ख़त्म नहीं होते सारा दिन, चमचियाँ। कसम से इधर से बंदा सारे बर्तन धो के वापस आता है ना तो फिर बाहर फीडर पड़ा होता है, इधर से फिर बंदा फीडर धो के वापस आता है, उधर से कोई कैंडी वाली कोई 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 ना कोई चीज़ पड़ी होती है। मैं तो सच्ची भी बहुत मैं अक चुकी थी बर्तन धो धो के। अच्छा मैं इसका फोटोशूट करी थी ना, तो ये भाई साहब ने भी इसका फोटोशूट किया था। इन्होंने शायद पीछे कोई देना होगा कि हमने इनके घर में पहुंचा दिया, तो ये घर वाले अब मुकर नहीं सकते कि हमारे घर में नहीं आया। बंदा पूछे कि मैं दो की करने हैं, मैं मुकर की करना। उनकी पॉलिसी में होता होगा कि उन्होंने इसके फिर बाद में फोटो शोटो ले के तो उन्होंने फिर कंपनी को भेजनी होती होगी कि हमने पहुंचा दिया है सेफ एंड साउंड। ये मेरा डिशवॉशर आपके सामने उनको भेज के, तो फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा से इसकी पूरी तसल्ली से इसको मैंने देखा है। खैर जी डिशवॉशर भी आ गया था, और काम शाम करके मैं सारे अपने फारिग थी, बाद में डिशवॉशर आया था। और फ्राइडे था तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बिजी रूटीन होती है क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना होता है। उसकी सारी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि कैसे मेरी फ्राइडे की क्या रूटीन होती है, सफाई की क्या रूटीन होती है। और बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था, और सफाई वगैरह भी कूच कूच के मैंने कर ली हुई थी। बच्चों ने नाश्ते में बस हल्का फुल्का सा सीरियल ही लिया था, उनकी था कि हमने सीरियल लेना है तो वो उन्होंने लिया था, उससे क्या पेट भरना है, हल्का फुल्का सा तो वो होता है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं अपने किसी अगले काम को हाथ डालूं तो इनका पेट मैं भर दूं। कबाब ऐसे मैंने बना के ही रखे होते हैं फ्रिज में, अक्सर कभी ख़त्म हो भी जाते हैं लेकिन मोस्टली बने ही पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं कबाब फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह से शौक से खा लेती हैं। बस मिर्चें थोड़ी डली हुई हों, तेज़ मिर्चें होना तो फिर नहीं खाती हैं, नॉर्मल मिर्चें हों तो फिर खा लेती हैं माशाल्लाह से। तो ये फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं ये बना के दे देती हूँ और फिर मैं अपना कोई अगला काम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे मेरा बहुत बिजी जाता है, बहुत ज़्यादा मेरा बिजी जाता है। बच्चों का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है, एंजल भी घर पर होती है 4 दिन स्कूल जाने के बाद। फिर जब वो पहले दिन घर पे होती है ना फ्राइडे को, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा ही फिर मुझे थोड़ा सा बर्डन लगता होता है कि उसको भी हैंडल करना, फिर एंजल को अजीन को भी हैंडल करना है। खैर जी उनको मैंने बिठा दिया था कि आप लोग खाओ यहाँ पे कबाब शबाब। और मैंने लॉन्ड्री की थी, मैंने किस दिन, मैंने वेडनेसडे को लॉन्ड्री की थी। मोस्टली मैं वेडनेसडे को या थर्सडे को ही लॉन्ड्री करती हूँ ताकि फ्राइडे को मैं अपने कपड़े जो भी प्रेस करने वाले हैं ना वो मैं प्रेस करके रख लूँ, और वीकेंड मेरा बहुत 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 आसानी से गुजर जाए। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जो बर्डन वाला काम होता है ना वो मेरे सर पे सवार ना हो। छोटे छोटे काम तो खैर निकलते ही रहते हैं, बेशक मैंने सफाई कूच कूच के कर ली है, लेकिन उसके बाद भी फिर कोई ना कोई काम तो निकलता ही रहता है। ये तो नहीं है कि फिर अगर वीकेंड है तो फिर हमारी भी छुट्टी है, माओ की कहाँ पर छुट्टी होती है। अब मेरे अपने और अदील के कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और एंजल और अजीन के मैं आप लोगों के सामने करी थी। और माशाल्लाह से कपड़ों का तो ढेर लगा ही रहता है, हफ्ते में मैं एक ही दफ़ा लॉन्ड्री करती हूँ, मैं दूसरे तीसरे दिन लॉन्ड्री नहीं करती हूँ, एक हफ्ते में एक ही दफ़ा लॉन्ड्री करती हूँ। और सारे के सारे कपड़े मैंने फिर प्रेस करके रखने होते हैं ताकि जब भी मुझे किसी भी कपड़े की ज़रूरत हो तो मैं फिर बस उठाऊं और मैं उसको यूज़ कर लूं। क्योंकि सुबह सुबह इतने ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों को भी तैयार श्यार करना होता है, एंजल को स्कूल भेजना होता है, और दरमियान में फिर कपड़े प्रेस करने वाला जो झंडर होता है ना, तो वो अगर हो ना तो फिर और भी ज़्यादा वो होता है। लेकिन उसके अलावा भी खुद भी मुझे तसल्ली नहीं होती। हालांकि अगर ड्रायर से कपड़े निकाले जाए ना तो वो ऐसे गर्म होते हैं ना जैसे इस्त्री करके ही इनको रखा गया हो, लेकिन मुझे खुद कोई तसल्ली नहीं होती है कि मैंने इस्त्री से उसकी ऐसी अच्छी से तय बिठानी है उसकी, तो फिर ही मेरे दिल को सुकून होना है। क्योंकि मुझे लगता है कपड़े के ऊपर जो एक बुरसी होती है ना वो इस्त्री करने से ही उसकी वो बैठती है, ऐसे ड्रायर से निकाल के तो फिर हैंगर अगर कर भी दिया जाए मुझे सुकून नहीं होता। बस अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन की बात है, मुझे होता है कि मैंने प्रेस करके फिर ही इनको हैंग करना है,
और वैसे भी अपने अपने घर की रूटीन होती है, और मेरी बस यही रूटीन है कि मैंने एक दिन सारे कपड़े धो लेने और अगले दिन मैंने सारे कपड़े उसको प्रेस करके अपने भी कर लेने, दिल के भी कर लेने, और बच्चों के तो लाजमी कर ही लेने, बल्कि अपने भी करने ही करने हैं सबके, बस ये एक रूटीन है। हाँ, बेडशीट्स वगैरह टॉवल वगैरह नहीं करती हूँ, और बाकी जो हमारे रेगुलर यूज़ के कपड़े होते हैं ना वो भी मैं फिर करके रखती हूँ, आने जाने के लिए जो भी होते हैं कपड़े वो भी रेडी होते हैं, क्योंकि अचानक से भी कहीं जाना पड़ जाता है, जैसे आज हमें अचानक ही जाना पड़ा, कोई ऐसा प्लान नहीं था। और वीकेंड पे हमारा बस ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई प्लान निकल ही आता है, और सम टाइम तो फ्राइडे पे ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे इस दफ़ा फ्राइडे पे ही स्टार्ट हो गया कि फ्राइडे है तो चलो बाहर का कोई प्लान कर लेते हैं, बेशक कोरोना की वजह से सारे घरों में ही कैद हैं, लेकिन इस तरह का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है कि बाहर चलें, तो थोड़ा सा बच्चों का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जो माएँ हैं हमारे जैसी घरेलू औरतें वो भी पूरा वीक घर के काम कर करके अक्की पड़ी होती है, चलो थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं, तो इसीलिए फिर जो काम शाम होते हैं ना मैंने फिर फ्राइडे पे ही डन करने होते हैं, क्योंकि आना जाना अगर किसी के घर भी आना जाना या बाहर भी कहीं आना जाना है तो वो फिर वीकेंड पे ही होते हैं, और अगर बीच में से ये सारे भी काम फिर अटके रहें तो फिर टेंशन ही रहती है ना, फिर ये तो नहीं होता ना कि मेरा वीकेंड फ्री था, मैं बाहर सुकून से कहीं फिर सकूँ, इसलिए फिर मेरी ट्राई होती है कि मैं काम शाम पहले ही डन कर लूँ। शाम का टाइम था, मौसम बड़ा प्यारा सा था, और सूरज ग्रूब हो रहा था, वो तो व्यू वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है, और वाइट वाइट कैनेडा तो वैसे ही मुझे तो बहुत ही पसंद है, बेशक ठंड ज़्यादा है लेकिन प्यारा लगता है। खैर जी, ये हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे, ये मेरे ही नाम का रेस्टोरेंट था, मुझे नहीं पता था कि मेरा साइड बिजनेस भी कोई है। रूबीज़ किचन हम गए थे, और मुझे इनका खाना कोई इतना ख़ास बस ठीक ही था, बाकी सारा कुछ ठीक था, हलीम भी ठीक था, कबाब भी ठीक थे, जो भी लवाजमात बाकी वाले थे ठीक थे, नंबर काटे तो सिर्फ़ और सिर्फ नान ने काटे, क्योंकि नान थोड़े से कच्चे थे, इन्होंने सारे के सारे नंबर ले लिए, और फिर मैंने बच्चों को इतना खाने भी नहीं दिया कि अभी मैं इनको बच्चों को नान खाने दूंगी तो बाद में फिर ये घर जाके पेट पकड़ के बैठे रहेंगे, और वैसे भी बच्चों ने घर से ठीक ठाक माशाल्लाह से खाया हुआ था, क्योंकि मैं इनको कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था बाहर निकलने का, अचानक से ही बन गया था, तो बच्चों ने तो अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से उन्होंने खाया हुआ था, और फिर मैंने कच्चे नान होने की वजह से पहले मैंने उनको थोड़ा सा खाने भी नहीं दिया कि फिर मैंने भी तंग होना, बच्चे भी तंग होंगे, बाकी ओवरऑल खाना ठीक था। ये फिर हम खाना शाना खा के तो उठ गए थे जाने के लिए घर पे, और माशाल्लाह से एंजल और अजीना आप लोगों के सामने हैं, और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं ना तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हो जाते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए फैमिली में, वैसे भी थोड़ी सी मिलजुल हो जाते हैं ना तो बच्चे भी, मुझे तो ज़्यादा बच्चों का ही होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। और फिर हम घर आ गए थे, और वहाँ पे कोई चाय शाय का नहीं प्लान था, क्योंकि माशाल्लाह से खाना ही नान ही खा के हम उनका अच्छा खासा वो हो गया था कि फिर चाय नहीं पीनी यहाँ से, और फिर ये था कि रास्ते से ले लेंगे, फिर रास्ते से भी कोई प्लान नहीं बना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे कॉफ़ी पड़ी हुई है तो घर जाके फिर हम कॉफ़ी बना लेते हैं, घर आए हैं तो फिर हमने एक दूसरे के लिए कॉफ़ी बनाने का सोचा कि आप मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, बीट करो, और मैं आपके लिए बीट करती हूँ, एक दूसरे से शर्तें लगा लगा के फिर हमने एक दूसरे के लिए कॉफ़ी बीट की है, और फिर दोनों में ये था कि कौन इसका कलर ज़्यादा लाइट करता है, फिर दोनों का तकरीबन सेम ही था, मेरा थोड़ा सा डार्क था, दिल ने ज़्यादा प्यार से मेरे लिए बनाई और फिर दूध डाला इसके अंदर, और माशाल्लाह से बहुत क्रीमी, बहुत ही जितने प्यार से हमने एक दूसरे के लिए बनाई है ना कॉफ़ी ने, उतना ही खिल के हमें अपना क्रीमीपन हमें जाहिर किया है कि ये लो फिर जितना प्यार से मुझे बनाओगे उतना मैंने क्रीमी टेक्स्चर आप लोगों को दिया है, बड़ी मज़े की कॉफ़ी थी, बाकी मज़ा आया इसको पीने का, और वैसे भी एक दूसरे के लिए प्यार से बनी थी तो फिर डेफिनेटली मज़े की तो होनी ही थी। बाकी सफाई वगैरह का जो भी था या बच्चों को नहलाना वो मैं आप लोगों के साथ एक पहली वीडियो में शेयर कर चुकी थी, और आज की वीडियो में शेयर हो गया कि वीकेंड के लिए मैं कैसे रेडी होती हूँ, कैसे मैंने सारे काम फ्राइडे पे ही डन कर लेने होते हैं ताकि मुझे मेरा वीकेंड ज़्यादा बिजी बिजी ना गुजरे, वेला वेला सा महसूस हो, वैसे होता तो कोई नहीं है, कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि मैं फ्री हूँ। खैर जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो फिर ये जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा चाहे सज्जा होवे तो चाहे खब्बा होवे, कोई भी होवे, बस तुसी चिपका देना, टेंशन नहीं लेनी कि मेरा सज्जा नहीं फ्री या मेरा खब्बा नहीं फ्री, बस चिपका देना, ठीक है। और जो चैनल पे न्यू है ना उन्होंने भी सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी नहीं जाना, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस माशाल्लाह से इतने प्यार भरे होते हैं, उसको पढ़ के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और इसी तरह से मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए, मुझे मैसेजेस करते रहिए प्यार भरे, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और जो चैनल पर न्यू है मैं पहले भी कह चुकी हूँ सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।